क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह से टिकटों का बंटवारा होगा? टिकटों का बंटवारा और क्या बातचीत हुई है तो आपको बताएंगे नहीं हम जी, और आपको पता भी लग जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2,500 से ऊपर प्रत्याशियों के लिए लोगों ने अपना आवेदन किया है। कोशिश ये होगी कि उनको सबकी बात सुनी जाए, और सुनी भी गई। अभी तक 1500 के करीब प्रत्याशी के जो आवेदन हैं उन पे दिल्ली में जो हमारे महामंत्री हैं उन्होंने उनसे बातें की हैं, उनके जो साथी हैं उनसे भी बात की है, और 2-3 दिन में ये सारा प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाएगा। 26 तारीख से स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब स्क्रीनिंग कमेटी में जो हमारी हरियाणा की इलेक्शन कमेटी है वो कितने लोग भेजेगी, वो सभी ये 2,500 लोगों के एक बार बात हो के उनसे बातें सुन के फिर जो निर्णय होगा वो कितने लोग उसमें होंगे वो फिर स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा। और स्क्रीनिंग कमेटी भी कम से कम 4-5 दिन एक्सरसाइज करेगी। बड़े जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनसे भी मंत्रणा होगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन के लिए मैं ये समझता हूँ कि 30 तारीख तक ये सिफारिशें वहाँ चली जाएंगी, और पूरा फैसला जो होता है हाईकमांड का वो फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में होगा। पिछली बार रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलती रही है, तो क्या पैमाना रहेगा इस बार जीत के उम्मीदवार को टिकट मिले? बस जो आपने बता दिया भाई कि जो गलती हुई है वो ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो गया जी। उचाणा की बात करें, आप कहते थे कि दुष्यंत उचाणा से नहीं आएंगे, लेकिन वो उचाणा में सक्रिय हो गए, उचाणा से ताल ठोकूंगा। हाँ ताल ही ठोकेगा ना, बाकी तो ठोकने का कुछ है नहीं। लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, और अब दादरी से, बाड़ा से, भिवानी से, फतेहाबाद से बंदे लेके यहाँ भेज रहा है, यहाँ के तो बंदे ही नहीं मिल रहे उसको, क्या करेगा? क्या लगता है जेजेपी का लोकसभा में जो रिजल्ट रहा था उस चरण में वही विधानसभा में रहने वाला है? हाँ, उससे तो मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत ज्यादा दे देना, बिल्कुल बेइज्जती नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग रहे हैं उचाणा में, टिकट के कई दावेदार हैं। 3-4 दिन पहले दिलबाग सिंडिल ने कड़ेवा में रैली की थी, वो वीरेंद्र सिंह परिवार पे ही भड़ास निकालते रहे। और क्या, जिस परिवार ने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा उस पर कैसे भड़ास निकालेंगे जी? हम हरियाणा की राजनीति में नहीं, इस देश की राजनीति में, और उचाणा की आज उचाणा में क्यों ये बात करते हैं लोग कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए इनेलो भी यहाँ से लड़ेगी, जेजेपी भी यहाँ से लड़ेगी। और क्यों लड़ेगी? क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने उचाणा हल्के की राजनीतिक जो ताकत है और राजनीतिक जो एक उसकी कुछ का स्थान है वो ऐसा बना दिया कि जब तक जैसे मक्का में नहीं जाएंगे तो पूरे तौर पे आप इस्लाम के नहीं माने जाते, इसी तरह राजनीति में जो यहाँ आएगा वो ये सोचेगा कि मैं राजनीति के गढ़ में आया हूँ, शायद मेरा कोई दाव कहीं से लग जाए। देवीलाल परिवार वीरेंद्र सिंह को गहने में क्यों जुटा हुआ है? बिस्टोला ने कहा कि 25 सितंबर को जो देवीलाल सम्मान समारोह जयंती होगी उचाणा में ही होगी, और उचाणा से इनेलो का सीएम कैंडिडेट उतरेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, और भी कोई कैंडिडेट हो सीएम का उसको भी ले आओ जी। और कांग्रेस से तो एक ही होगा, और कांग्रेस के लोग जब तक टिकट नहीं मिलती तो ये बात करते रहेंगे। बाकी कांग्रेस जब मैदान में उतरेगी तो लोग कांग्रेस के साथ हैं, किसान कांग्रेस के साथ है, युवा कांग्रेस के साथ है, महिला कांग्रेस के साथ है, और मैं कांग्रेस के साथ। आप चुनाव की तैयारियां अभी कर रहे थे सोई साहब, आप एक यात्रा निकालने की तैयारियां कर रहे थे, अचानक सरकार ने एक महीना पहले चुनाव की घोषणा कर दी, क्या कारण रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? उसके कारण वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का, उन्होंने ये कहा था 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसमें इलेक्शन करा दिए जाएं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में इलेक्शन होंगे, आखिरी चरण 1 तारीख को होगा, और उसी आखिरी चरण के हिसाब से हरियाणा भी साथ में जोड़ दिया, हम भी 1 तारीख को वोट डालेंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, इतना तो हमारा उनको साथ देना और हमारे साथ उनका चुनाव होना स्वाभाविक है। आप मध्य हरियाणा की आवाज़ उठाते रहे हैं, कितने अपने साथियों को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाने जा रहे हो? जोर तो मैं लगाऊंगा, फिर आपको थोड़ा बताना।
Thank you.